तो हेलो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो स्पेशली BKP इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी कॉलेज के बारे में होने वाला है। तो कॉलेज के बारे में आपको कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप लोग का मन में रहता है डाउट कि फर्स्ट की गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है या प्राइवेट पॉलिटेक्निक है, क्योंकि ये डाउट रहेगा ही, क्योंकि BKP इंस्टीट्यूट जो है ना उसमें GP लगा हुआ नहीं है, तो सबको डाउट होता रहता है और होना भी है, क्योंकि सारा जितना भी 46 कॉलेज है हमारे बिहार में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो उसमें से एक ऐसा कॉलेज है जिसमें GP नहीं लगा हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि बिहार का सबसे अलग। तो आइए इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि फर्स्ट हो गया कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट, दूसरा जो कैसे है, कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं हैं, हॉस्टल है या नहीं, एडमिशन फ़ी और भी है, जैसे कि मतलब कौन कौन सा ब्रांचेज है, इसमें पढ़ाई होता है। तो आइए फर्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। तो जैसे कि मेरा हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि हमारा जो BKP इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट। जैसे इसका नाम है फुल नाम होगा जैसे बैदुजमा खान पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी, कभी कभी लिखाता भी है कि जैसे बैदुजमा खान राजकीय पॉलिटेक्निक सीतामढ़ी। तो ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, अगर डाउट है तो ये क्लियर हो गया। और इसको डाउट को क्लियर करने के लिए बहुत सारे, जैसे कि आप लोग गूगल पे सर्च करके भी जानकारी ले सकते हैं, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है सीधा सा। और चलते हैं दूसरा टॉपिक पर, कॉलेज में कैसे आए, जैसे कि आप लोग, हम पटना से स्टार्ट करते हैं, जैसे पटना से किसी को आना है तो वहाँ से आप हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर आइएगा, और मुजफ्फरपुर से ट्रेन है जनकपुर रोड या पुपरी के लिए, या पाटलिपुत्रा से भी ट्रेन है। तो जैसे तो हमारा घर आ रहा है, तो हम अपना दानापुर आते हैं, वहाँ से पाटलिपुत्रा, उसके बाद पाटलिपुत्रा से डायरेक्ट कॉलेज के लिए, जैसे पुपरी या जनकपुर रोड, इसका यहाँ का स्टेशन है उसका नाम है, तो यहाँ आ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ से जो हमारा स्टेशन है कॉलेज से 5 किलोमीटर लगभग दूर है, तो उतना दूर ये टेम्पो भी चलता है, तो आने जाने में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, बस यहाँ से समझिए एक मार्केट है 5 किलोमीटर दूर थोड़ा, तो कर सकते हैं। और आप बस से आइएगा तो गांधी मैदान से पटना से पकड़िएगा बस, तो आपको 2.5 घंटा में यहाँ पर पुपरी छोड़ देगा, या तो आप आ सकते हैं। और रहा चलिए जैसा BKP इंस्टीट्यूट मतलब टॉपिक 3 हुआ, कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं हैं। देखिए कॉलेज में फर्स्ट तो इसमें ब्रांच 4 हैं, 5 हैं, इस बार बड़ा है, तो ये सिविल का 120 सीट है, और इलेक्ट्रिकल का 60 सीट, मैकेनिकल का 60 सीट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का 60 सीट है, और कंप्यूटर साइंस का भी 60 सीट है। तो ये है, और इसमें सुविधाएं हैं जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल दोनों का सुविधा है, और यहाँ पे लाइब्रेरी का भी सुविधा है, और भी KYP कंप्यूटर लैब भी होता है यहाँ पे, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, वाईफाई भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। प्लेसमेंट तो हम 22 में एडमिशन लिए थे, तो अभी तक 2 बार प्लेसमेंट हुआ है, तो प्लेसमेंट के बारे में तो हम उतना नहीं कह सकते हैं। और हॉस्टल है या नहीं, हॉस्टल है इसमें, जैसे कि हम पिछले पीछे आगे भी बताएं कि हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल भी है और गर्ल्स हॉस्टल भी है, दोनों हैं। तो आप लोग, यह तो क्वेश्चन हो गया, और आपका एडमिशन फ़ी कितना लगेगा। तो इसमें एडमिशन फ़ी आपको, जैसे कि मेरा तो लगा था 2065 एडमिशन फ़ी, 22 में एडमिशन कराया था, तो अब आप बताना कितना लगेगा। तो लगभग मतलब 3,000 के आसपास हमको लगता है कि हो जाएगा। और देखिए इसमें कॉलेज में रैगिंग होता है या नहीं, तो हम लोग के बैचमेट पे तो नहीं लेते हैं इस बार, तो अब पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन अभी तक तो नहीं होता है। और भी जानकारी चाहिए तो आपको गूगल पे सर्च करना है BKPI सीतामढ़ी, वहाँ पे चलिए हम सर्च करके दिखाते हैं आपको, गूगल पे सर्च करके दिखाते हैं जैसे BKPS। तो यहाँ पर आइएगा, BKPI सर्च कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे एक लिंक, इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको सारा BKPI के बारे में, अभी तो अपडेट नहीं किया गया है तो इसमें 4 ही ब्रांच बतलाएगा, तो आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ जितना भी है ये आपको पढ़ लीजिएगा, ये सब जितना भी है तो आपको जानकारी मिल जाएगा इसके बारे में। और भी देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा। तो हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट में, और देखिए आपको कुछ कॉलेज का व्यू दिखाते हैं। देखिए।
माफ़ कीजिएगा हमको अगर आपको कुछ, देखिए मैं उतना बड़ा तो ब्लॉगर नहीं हूँ, अभी शुरुआत है तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, हम भी समझते हैं, आवाज़ का भी प्रॉब्लम, माइक तो है नहीं मेरे पास, तो आप लोग को सपोर्ट कीजिएगा तो आगे कुछ अच्छा हो सकता है। और आप लोग के लिए अगर पॉलिटेक्निक के स्टडी के बारे में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आपको VVI क्वेश्चन ये सब प्रोवाइड करा सकता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप, जो कि यहाँ पर टेलीग्राम साइड में दिख रहा होगा, टेलीग्राम ग्रुप का जो मेरा लिंक है आपको यूट्यूब चैनल के बारे में मिल जाएगा, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ये, फॉलो कर लीजिएगा। और देखिए, और आपको देखिए यहाँ पर ट्रेन कुछ है आपको आने के कॉलेज के लिए, तो कुछ ट्रेन है ये सब, तो आप यहाँ इस ट्रेन को पकड़ के आप आ सकते हैं, और आपको चाहते हैं कि उसको बेहतर करें, अगर आपको कुछ भी कमी दिखता है इस वीडियो में तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं और मुझे बतला सकते हैं कि क्या हमको सुधारना है और क्या करना हो, तब तक लिए ठीक है, आप लोग को आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।